हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नवभारती स्टडी सर्किल। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमने स्टार्ट कर दिया है। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। आज पार्ट सेकंड में हम डायमेंशन फार्मूला पढ़ेंगे। हम डायमेंशन का क्या क्या यूजेस हैं और इसके एडवांटेज क्या क्या हैं और इनकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो डायमेंशन एनालिसिस में हम ये तीन चीज़ों की स्टडी करेंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड देन हम एरर्स पढ़ेंगे और एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की। तो डायमेंशंस होती क्या है? द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन से हम किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द इक्वेशन विच एक्सप्रेसेस अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन जो है वो एक लार्ज ब्रैकेट में लिखी जाती है और साथ साथ वो मास, लेंथ एंड टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके टर्म्स में वो मिलती है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन द ऑल द टर्म्स अकरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर द सेम। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है अगर कोई इक्वेशन है, तो मान लीजिए आप एनर्जी का कोई फॉर्मूला लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी की दो फॉर्म्स हैं। इनका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लिखेंगे mgh। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी की दो फॉर्म्स है, दो अलग अलग फार्मूलाज है, लेकिन अगर हम इनके डायमेंशन चेक करेंगे तो इनके डायमेंशन दोनों की सेम आएगी। मेन यूजेस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, क्या क्या यूजेस हैं? देर आर थ्री मेन यूजेस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। टू कन्वर्ट अ यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम फॉर विच वी यूज n2 = n1, m1/m2 की पावर a है, l1/l2 की पावर b है एंड t1/t2 की पावर क्या है? c है। देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस का फर्स्ट यूज़ हम देखते हैं। फर्स्ट यूज़ में किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करना हो तो इससे वो किया जा सकता है। यहाँ आपको जो n2 दिख रहा है ये दूसरे सिस्टम में जिसमें हम चेंज करना चाह रहे हैं फर्स्ट वाले सिस्टम को, तो दूसरे सिस्टम में ये उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। और n1 की अगर बात करें तो फर्स्ट सिस्टम में n1 उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। m1 m2 से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर मास, ये फर्स्ट सिस्टम का है, ये सेकंड सिस्टम का है, और इसके ऊपर a जो है ये पावर है। m1/m2 की पावर क्या है? a है। l1 l2 ये लेंथ है सिस्टम फर्स्ट की एंड सेकेंड की। t1/t2 ये क्या है? टाइम है। तो इसका फर्स्ट यूज़ क्या होता है कि किसी क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस किया जाता है। मान लीजिए हमें लेंथ को SI सिस्टम से CGS सिस्टम में चेंज करना है, तो नॉर्मली हम SI सिस्टम में लेंथ के लिए क्या लिखते हैं? मीटर लिखते हैं, और साथ ही हम CGS सिस्टम में उसको क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो मान लीजिए 5 मीटर को हमें चेंज करना है CGS सिस्टम में, तो 5 मीटर जो है वो क्या हो जाएगा? 1 meter = 100 cm होता है। 1 meter = 100 cm होता है, तो 100 जो है वो n2 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। अब ये तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन था जो हमने नॉर्मली देख लिया है कि 1 meter SI सिस्टम में लेंथ है, तो CGS सिस्टम में क्या हो जाएगा? 100 cm हो जाएगा। लेकिन अगर जो अपने पास क्वांटिटी है वो कई और क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी है, यानी वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे हम किसी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। मान लो हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन सही है या गलत है, ये हम चेक करेंगे उन दोनों इक्वेशन का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के। अगर दोनों साइड की यानी LHS एंड RHS दोनों साइड की जो डायमेंशन है इक्वल आती है, तो जो रिलेशन हमें दिया गया है, जो इक्वेशन हमें दी गई है, वो करेक्ट है। टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर कोई रिलेशन निकालना है, तब भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। तो यहाँ ये तीन मेन यूजेस इसके बताए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल इक्वेशंस आर यूज्ड टू वैलिडेट द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशंस आर यूज्ड टू डिराइव करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल इक्वेशन आर यूज्ड टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। डायमेंशनल इक्वेशंस आर यूज्ड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल कांस्टेंट। तो ये जितनी बातें हमने पीछे की थी, वही यूजेज जो है वो एक तरह से एडवांटेज अगर आपको लिखने के लिए आए, तो ये चार एडवांटेज आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। डायमेंशनल एनालिसिस हैज नो इन्फॉर्मेशन ऑन डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स। मान लीजिए कोई डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स आ गया, तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ये डायमेंशनल एनालिसिस नहीं देता है। इफ़ अ क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। अगर कोई क्वांटिटी डिपेंड करती है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर, देन ये डायमेंशनल एनालिसिस का जो मेथड है वो यूज में नहीं आ सकता है। इन सम केसेस इट इज़ डिफिकल्ट टू गेस द फैक्टर्स व्हाइल डिराइविंग द रिलेशन कनेक्टिंग टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन एन इक्वेशन कंटेनिंग टू और मोर वेरिएबल्स विद सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन के दो या फिर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो उसके अंदर ये मेथड काम में नहीं आएगा। इट कैन नॉट बी यूज्ड इफ़ द फिजिकल क्वांटिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन मोर देन थ्री अननोन वेरिएबल्स। अगर अननोन वेरिएबल्स हैं तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इफ़ द फिजिकल क्वांटिटी कंटेन्स मोर देन वन टर्म से सम और डिफरेंस और टू टर्म्स। तो इन सब चीज़ों में हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए सारी की सारी लिमिटेशंस कहलाएंगी डायमेंशनल एनालिसिस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मान लो हमें कोई नंबर दे रखा है, वो दे रखा है 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3.45 दे रखा है, या फिर 1, 2, 3, 0, 0, 5, 4 दे रखा है, या फिर 0.00123 दे रखा है, या फिर 0.001230 दे रखा है। तो इन सारे के सारे डिजिट्स में हम किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो काउंट करते हैं, कौन कौन से नंबर्स को सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे और किस किस को हम नहीं मानेंगे, वो सब इनके रूल्स पर डिपेंड करता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट हम देखते हैं ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी। मान लो हम कोई नंबर चूज करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर है हमारे पास, पूरा ये एक नंबर है, तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, हमने 5 तक नंबर लिए हैं, इसका मतलब क्या है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर हम 12,001 करते हैं तो इसके अंदर क्या आ रहा है 12,001, इसमें बीच में जीरोस भी आ रहे हैं, तो जीरोस के लिए कुछ और रूल होते हैं। ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या होंगे, अगर दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो है या फिर और एक या एक से ज़्यादा जीरो है, तो जितने भी जीरोस हैं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट की एक अलग रूल है, आर नॉट सिग्निफिकेंट बट सच जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट से आ रहा है तब तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है, वरना ये नहीं है। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट
बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरोज जो है वो नॉन जीरो डिजिट के राइट में है बट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, लेकिन डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिंगल जीरो कन्वेंशनली प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होती है? देखिए, आपको नॉर्मल इस डायग्राम से समझ में आ रहा है कि अगर हम एक्चुअल वैल्यू, ये टारगेट पॉइंट है, टारगेट पॉइंट के कितना पास में है वैल्यू, उसको हम कहेंगे एक्यूरेसी। एंड ये जो है वो सीरीज होती है। मान लो टारगेट सेट करने के लिए हमने कुछ मेजरमेंट्स लिए या फिर कुछ सीरीज इसकी तैयार की, तो वो जो सीरीज है वो कितना एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक है, वो होगा प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी क्या है? द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज इट्स रिलेशन टू द ट्रू नॉमिनल और एक्सेप्टेड वैल्यू। इट इज़ समटाइम्स एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज डेविएशन फ्रॉम द नॉन वैल्यू। द नॉन और ट्रू वैल्यू इज ऑफन बेस्ड अपॉन रिप्रोड्यूसिबल मेजरमेंट्स। तो इसको हम और क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूसिबल मेजरमेंट भी बोलते हैं। प्रिसीजन अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स। ये जो सीरीज ऑफ मेजरमेंट है वो कितनी क्लोज है आर टू वन अनादर। अ मेजर ऑफ हाउ एग्जैक्ट द मेजरमेंट इज। तो ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन हुआ। आगे हम देखते हैं विद एग्जाम्पल। यहाँ ये टारगेट पॉइंट है, इस टारगेट पॉइंट पर अगर कोई वैल्यू जाती है, कोई मेजरमेंट जाता है, तो वो एक्यूरेट होगा। ये जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है, लेकिन ये जितने भी मेजरमेंट है वो नॉट प्रिसाइज, ये प्रिसाइज नहीं है। इसमें अगर हम बात करें तो ये नॉट एक्यूरेट, यहाँ टारगेट पॉइंट के पास कोई भी मेजरमेंट यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये जितने भी मेजरमेंट हैं वो प्रिसाइज होंगे। यहाँ हम बात करेंगे एक्यूरेट एंड प्रिसाइज की, तो ये टारगेट पॉइंट पर एक्यूरेट भी है और टारगेट पॉइंट पर जो मेजरमेंट की सीरीज है वो भी है, तो ये होगा प्रिसाइज। तो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज ये थर्ड है, ये है नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज, लेकिन ये जो फर्स्ट है वो एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज। एरर्स इन अ मेजरमेंट। मेजरमेंट्स के अंदर हम एरर्स किस तरह से डिफाइन करते हैं वो हम पढ़ेंगे। रैंडम एरर की बात करें तो एनी फैक्टर्स दैट रैंडमली अफेक्ट मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल अक्रॉस द सैंपल। फॉर इंस्टेंस ईच पर्सन्स मूड कैन इन्फ्लेट और डिफ्लेट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ओकेजन। रैंडम एरर ओट्स वेरिएबिलिटी टू द डेटा बट डज नॉट अफेक्ट एवरेज परफॉर्मेंस फॉर द ग्रुप। तो रैंडम एरर क्या है? जो रैंडमली अफेक्ट करे मेजरमेंट को वो क्या होंगे? रैंडम एरर होंगे ऑफ द वेरिएबल अक्रॉस द सैंपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्टमेटिक एरर की। एनी फैक्टर्स दैट सिस्टमेटिकली अफेक्ट मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल अक्रॉस द सैंपल। तो सिस्टमेटिक एरर जो है एक्चुअल में होता क्या है? बायस होता है। फॉर इंस्टेंस आस्किंग क्वेश्चन दैट स्टार्ट डू यू एग्री विद राइट विंग फास्किस्ट्स दैट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो छोड़ दिया गया है, विल टेंड टू यील्ड अ सिस्टमेटिक लोअर एग्रीमेंट रेट को बता रहा है ये। तो सिस्टमेटिक एरर डज अफेक्ट एवरेज परफॉर्मेंस फॉर द ग्रुप। तो दोनों में डिफरेंस एक ये हो गया कि जो रैंडम एरर था वो डज नॉट अफेक्ट एवरेज परफॉर्मेंस फॉर द ग्रुप। ग्रुप के लिए जो एवरेज परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट नहीं करता है, बट जो सिस्टमेटिक एरर है वो अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर की। एब्सोल्यूट एरर क्या है? देखिए, ये जो यहाँ पर A1, A2, A3, AN जो लिए गए हैं वो एक ही क्वांटिटी के बार बार मेजरमेंट्स लिए गए हैं, और बार बार क्या आ रहा है यहाँ पर? एरर आ रहा है। यानी जो मेजरमेंट्स लिया गया है एक ही क्वांटिटी का, उसके लिए
हर बार एक नई वैल्यू आ रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, देन मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, देन रिलेटिव एरर निकालेंगे और परसेंटेज एरर निकालेंगे। लास्ट में जाकर जब हम परसेंटेज एरर निकालते हैं इसका, तब तक ये जो एरर है उसको हम सिस्टमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। मीन ऑफ एन मेजरमेंट, सबसे पहले हम जितना भी मेजरमेंट्स हमने लिए हैं, मान लो हमने दो मेजरमेंट लिए या फिर चार मेजरमेंट लिए, तो उसका हम मीन निकालेंगे। तो ए मीन इक्वल्स टू ए वन अप टू ए एन, हम जितनी भी मेजरमेंट्स लिए उनको प्लस करके डिवाइड कर देंगे एन से, तो ये ए मीन निकल गया। अब जो एब्सोल्यूट एरर की हम बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर किस तरह से निकलेगा, डेल्टा ए होगा ये, और जो ए मीन हमने निकाला उसमें से हम माइनस कर देंगे ए वन को, तो ये जो मेजरमेंट होगा वो होगा एब्सोल्यूट एरर। जिस तरह हमने ए मीन में से माइनस किया ए वन, उसी तरीके से हम ए टू माइनस करेंगे, ए थ्री माइनस करेंगे, अप टू ए एन माइनस करेंगे, तो ये जितने भी मेजरमेंट्स आएंगे वो एब्सोल्यूट एरर होंगे। यानी ये जो एब्सोल्यूट एरर है वो माइनस में भी हो सकते हैं, वो प्लस में भी हो सकते हैं, और वो ज़ीरो भी हो सकते हैं। देन एब्सोल्यूट एरर इज सिंपली द अमाउंट ऑफ फिजिकल एरर इन ए मेजरमेंट। ई एब्सोल्यूट, अगर हमने एक्स मेजरमेंट लिया है और एक्स हमारे पास एक्सेप्टेड है, तो मेजर्ड एक्स और एक्सेप्टेड एस का जो डिफरेंस निकलेगा वो ई एब्सोल्यूट होगा। और मोड हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज आती है वो नेगेटिव भी होती है, तो हम इसको पॉजिटिवली डिफाइन करने के लिए इसमें मोड हमने लगाया है। एब्सोल्यूट एरर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इन प्लेन इंग्लिश द एब्सोल्यूट एरर इन इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। जो मेजर्ड वैल्यू है एंड एक्चुअल वैल्यू है, दोनों का जो डिफरेंस है वो बताता है एब्सोल्यूट एरर को। द एब्सोल्यूट एरर विल हैव द सेम यूनिट लेबल एज द मेजर्ड क्वांटिटी। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट टू द एक्सेप्टेड मेजरमेंट। आपको ये बताना है कि रिलेटिव एरर का मतलब है क्या है। रिलेटिव का मतलब है दो चीज़ों को रिलेट कर रहा है। अब दो चीज़ें कौन कौन सी है, ये रेशियो है किस किस का, एब्सोल्यूट एरर का एंड एक्सेप्टेड मेजरमेंट का। तो ई एब्सोल्यूट अपॉन एक्स एक्सेप्टेड, ये क्या हो जाएगा, ई रिलेटिव हो जाएगा। द रिलेटिव एरर एक्सप्रेसेस द रिलेटिव साइज ऑफ द एरर ऑफ द मेजरमेंट इन रिलेशन टू द मेजरमेंट इटसेल्फ। When the accepted or true measurement is known, the relative error is found using which is considered to be a measure of accuracy. तो यहाँ पर हम जाके accuracy को ला सकते हैं, यानी जो हमारे पास starting में किसी quantity की जो measured value थी वो अलग अलग आ रही थी, तो हम क्या करते हैं, इन relative error तक आते आते हमें वो accurate value मिल सकती है। अब हम अगर उसका परसेंटेज एरर निकालना चाहें तो वो क्या होता है, देखिए, इट इज़ द रिलेटिव एरर मेजर्ड इन परसेंटेज। सो रिलेटिव एरर का जो परसेंटेज हम निकालेंगे वही परसेंटेज एरर है। परसेंटेज एरर मीन एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन मीन वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100% से। तो परसेंटेज एरर इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू। तो ये मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर रहे हैं इसको 100% से। इसके जैसे ही हम कैलकुलेशन करते हैं हमें जो एरर मिलता है वो परसेंटेज ऑफ एरर हो जाएगा, वो हमें परसेंटेज में मिलेगा कि कितने परसेंट उसके अंदर एरर था। द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। द एरर इज कम्युनिकेटेड इन डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस एज डिटेल्ड बिलो। अगर हम क्या करें, एरर का इन चार चीज़ों में उसको हम डिफाइन करना चाहें, तो द एरर इज़ कम्युनिकेटेड इन डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस एज डिटेल्ड बिलो। फॉर एक्स इक्वल्स टू ए प्लस माइनस बी है, तो इसके लिए जो डेल्टा एक्स होगा वो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा, ये इनके एरर्स हैं। फॉर एक्स इक्वल्स टू ए इंटू बी, इसके लिए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। फॉर एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी के लिए क्या करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी।
फॉर एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम अपॉन सी टू द पावर डी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये जो पावर एन थी ए के ऊपर जो पावर एन होगी वो इसके पहले लिखी जाएगी, एन डेल्टा ए अपॉन ए, उसी तरीके से एम डेल्टा बी अपॉन बी प्लस पी, यहाँ पर ये जो पावर है वो डी नहीं है वो पी है, पी डेल्टा सी अपॉन सी। तो ये सारे के सारे हमारे पास इसके जो कम्युनिकेशन हैं एरर्स के वो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।